हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रिजरेखीय चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसमें एक स्ट्रेट वायर, एक सीधा सा चालक है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और इसके गति करने के कारण इसके दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल या कहले विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है और कितना उत्पन्न होता है, उसी के विषय में हमको चर्चा करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है जो एक समान है, यूनिफॉर्म है, और उसकी दिशा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, और ये जो सीधा चालक है के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, और इसका वेग भी है तथा इसकी लंबाई एल है। तो क्या देखेंगे कि भी की दिशा बी की दिशा के लंबवत है, और इस चालक की लंबाई L है, चालक की लंबाई L तथा वेग भी है। अब आप जानते हैं कि कोई भी चालक हो उसमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन एकीकरण होती है, तो इस चालक में भी ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस चालक की गति के साथ गतिशील होगी। और आप जानते हैं कि किसी भी चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही धन आवेशित परमाणु भी होते हैं। तो इस चालक में हम दो पार्टिकल देखेंगे, एक धन आवेशित परमाणु और दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिस भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फ्री हो जाता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण वो परमाणु धन आवेशित होता है। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही धन आवेशित परमाणु होते हैं। तो जब ये चालक भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, तो इस चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धन आवेशित परमाणु होते हैं, सब भी वेग से गति करने लगते हैं। और आप जानते हैं कि यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये लॉरेंज बल कब लगता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है। तो अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, धन आवेशित परमाणु भी गति कर रहा है, तो दोनों पर ये लॉरेंज बल लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो धन आवेशित परमाणु होता है, इस लॉरेंज बल के कारण इसमें गति नहीं उत्पन्न होती है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब लॉरेंज बल लगता है तो उस लॉरेंज बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको हम देखते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल, और इसको हम लिखते हैं Fm से। तो Fm इक्वल टू क्या हो जाता है, आप जानते हैं, क्यू इंटू वी इंटू बी साइन थीटा। तो Q यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो Q के लिए हम E यूज करेंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E के बराबर होता है, और वेग V से गति कर रहा है, और किस चुंबकीय क्षेत्र में, B चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और V और B के बीच का जो कोण होता है उसी का हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा। तो चूंकि V फॉरवर्ड डायरेक्शन में है आगे की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, तो भी और बी के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री। तो अब ये एफ एम इजक्वल टू क्या हो गया, एफ एम इजक्वल टू ई इंटू भी इंटू बी, ये हो गया। यानी हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा, और वो बल की दिशा हम कैसे देखेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से देख सकते हैं, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख सकते हैं। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने के लिए हम क्या करते हैं,
इन चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करते हैं और इस अंगूठे को चालक के गति की दिशा या फिर कह लें आवेश की गति की दिशा में करते हैं। तो आवेश आगे की तरफ चल रहा है तो आवेश की गति की दिशा में अंगूठा कर लेते हैं और ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कि इस बोर्ड के अंदर की ओर है इस तरह से करते हैं। तो हथेली से जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में धन आवेश की गति होती है। तो धन आवेश की गति ऊपर की ओर होगी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है इसलिए ऋण आवेशित कण पर गति नीचे की ओर होगी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा नीचे की ओर होगी। तो क्या हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा ये सिरा अगर हम जे माने और ये सिरा के माने तो सिरा के की ओर चालक के सिरे के की ओर होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा वो नीचे की ओर होगा और इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति करने लगेगा। और आपको पहले हमने बताया गया धन आवेशित परमाणु जो होगा वो लॉरेंज बल के कारण गतिशील नहीं होता वो अपनी जगह बना रहता है। तो गतिशील कौन होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यहाँ चला आया इस सिरे पर तो इस सिरे पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई और इस सिरे पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पर ये सिरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये सिरा क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज हो गया। अब अगर एक चालक है उसका एक सिरा निगेटिव चार्ज पर है दूसरा सिरा पॉजिटिव चार्ज पर है तो इसका मतलब कि इन सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया विभवांतर उत्पन्न हो गया जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्यों क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में इसकी गति से प्रेरित होकर के विभवांतर उत्पन्न हो गया है इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण के सिरे पर ऋण आवेश की अधिकता एवं जे सिरे पर ऋण आवेश की कमी होगी अतः जे सिरा धन आवेशित एवं के सिरा ऋण आवेशित होगा अतः चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर जिसको हम क्या कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मान लिया यह भी हो तो अब इस सिरे जे और इस सिरे के बीच विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो आप जानते हैं कि अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस पूरे एरिया में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो होगा E इज्क्वल टू आप जानते हैं dV/dl होता है। तो dV विभवांतर है जिसको हम V लिखे हैं और dl लंबाई है जिसको हम l लिखे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा E इज्क्वल टू V/l। तो इस पूरे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण इस चालक के अंदर चाहे धन आवेशित परमाणु हो चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उन पर विद्युत बल लगने लगेगा। क्यों क्योंकि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है तो उस पर विद्युत बल लगता है। तो धन आवेशित परमाणु ये है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ये है तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है इस तरह से ये ई की दिशा हो गई तो ई के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा यानी जो एफ ई लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा इलेक्ट्रॉन पर और धन आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो ई की दिशा में लगेगा ई की दिशा नीचे की ओर है तो ई की दिशा में लगेगा तो यानी एफ ई धन आवेशित परमाणु पर लगा। तो आप देख रहे हैं कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो लॉरेंज बल है वो नीचे की ओर लग रहा है
और जो विद्युत बल है वो ऊपर की ओर लग रहा है। इसी प्रकार से इस धन आवेशित परमाणु पर जो लॉरेंज बल है वो ऊपर की ओर लगेगा और जो विद्युत बल है वो नीचे की ओर लगेगा। अब लॉरेंज बल के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आना चाहेगा और विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाना चाहेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल और लॉरेंज बल दोनों बराबर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सिरों पर आवेश का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब तक एफ ई विद्युत बल का मान कम है तो लॉरेंज बल के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर आवेश की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जब विद्युत बल का मान लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इस पर कोई बल नहीं लगेगा और ऋण आवेश का बढ़ना बंद हो जाएगा और एक निश्चित ऋण आवेश इस सिरे पर और एक निश्चित धन आवेश इस सिरे पर बना रहेगा और जो विभवांतर दोनों सिरों के बीच रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर लॉरेंज बल होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक में रुक जाएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान नियत हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा और यहाँ पर ऋण आवेश नियत हो जाएगा, यहाँ पर धन आवेश नियत हो जाएगा और दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर नियत हो जाएगा। तो कब होगा, जब लगने वाला विद्युत बल स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई, तो ये हो गया विद्युत बल इजक्वल टू लॉरेंज बल ई इंटू वी इंटू बी। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ई इजक्वल टू वी इंटू बी ये, और ई आप जानते हैं क्या है, वी बाई एल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v बाई एल इजक्वल टू स्मॉल v इंटू बी, ये ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल v है, वेलोसिटी है और यहाँ पर जो कैपिटल v है वो विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो ऐसी स्थिति में v इजक्वल टू क्या हो जाएगा, v बी एल ये होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल या दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मान। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत चल रहा है। अगर ये चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत न चल करके किसी थीटा एंगल पर चले, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो इस तरह से और चालक जो है कुछ इस दिशा में चले, वेलोसिटी इसकी हो, हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्योंकि हम ये फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति के लिए डिराइव किया है। तो यहाँ पर ये भी की दिशा है, ये बी की दिशा है और बी की दिशा के लंबवत घटक हम निकाल लेंगे। अगर ये कोण थीटा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बेग की दिशा के बीच का कोण थीटा हो तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा। तो जहाँ पर हम केवल भी लिख रहे हैं वहाँ पर क्या लिख देंगे, भी साइन थीटा लिख देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लिखेंगे कि यदि चालक के गति एवं बी की दिशा के बीच थीटा कोण हो तो चालक की गति का बी के लंबवत घटक, इसलिए लंबवत घटक लेंगे क्योंकि हम इस चालक को बी के लंबवत दिशा में गति के कारण ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लंबवत घटक लेंगे क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा। ऐसी स्थिति में आता है अब क्या हो जाएगा, भी इजक्वल टू भी बी एल साइन थीटा। तो एक फार्मूला ये बन गया कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश के कोण पर गति कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी इजक्वल टू भी बी एल साइन थीटा होगा और यदि बी के लंबवत दिशा में गति कर रहा हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो भी इंटू बी इंटू एल होगा। तो ये हमारा टॉपिक रहा
जिसमें हमने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी इक्वल टू वी बी एल होगा। इसी विभवांतर को प्रेरित विद्युत भाग बल भी कहेंगे। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश के कोण पर गति कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वो भी इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा होगा। तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसी को हम यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।